हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माये। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फंक्शन चल रहा है। हमने इससे पहले दो वीडियो अपलोड किया। पहला वीडियो हमने फंक्शन के डिफिनीशन, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में समझा। सेकेंड वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन जितने भी पढ़ना है उसके बारे में बतलाया। और आज का जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टाइप के फंक्शन जो मैंने लिखा था बोर्ड पे, वन वन फंक्शन ना, जिसे इंजेक्टिव भी कहा जाता है, इस पर हमें डिस्कस करना है। यानी जितने भी फंक्शन के टाइप के बारे में मैंने सेकेंड वीडियो में बतलाया, तो एक ही एक करके सभी टाइप के फंक्शन पे विचार करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर जो होगा स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ वन वन फंक्शन के लिए, ठीक है। और हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करते हैं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिख देते हैं ना, तब आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लिखिए स्टूडेंट्स, आप फंक्शन, दूसरा मार्क कर लीजिए, ब्लू वाला नहीं होता है। अब फंक्शन एफ सच दैट एच टू वाई, देखिए स्टूडेंट इसको क्या पढ़ते हैं, एफ सच दैट एक्स टू वाई। एफ एक फंक्शन है जहां की एक्स रिलेटेड है वाई से, ठीक है। ये फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक्स टू वाई इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वन वन और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव इफ इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स हैव have distinct image in set y। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल भाषा में आपका डिफिनेशन दिया हूं। लिखा है a function f such that x to y is said to be one one or injective if distinct elements of set S have distinct image in set Y। Distinct का मतलब होता है students, different मतलब और समान, अलग अलग, अलग अलग इसका मतलब होता है students। कहता है कि आपके पास दो सेट का फंक्शन है, एक है X और दूसरा है Y। X के जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज वाई वाले सेट में बनता हो, तो उसको कहते हैं स्टूडेंट्स वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए एग्जांपल से, ये एक्स वाला सेट है स्टूडेंट्स, एग्जांपल लिख रहा हूं बाबू, इसमें कुछ एलिमेंट है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री, और हमारे पास एक वाई है इस तरह से, इसमें भी कुछ नंबर है, जीरो है, वन है, फोर है, नाइन। अब जीरो का रिलेशन जीरो के साथ, वन का रिलेशन वन के साथ, टू का रिलेशन टू के साथ और थ्री का रिलेशन नाइन के साथ है। अब देख रहे हैं ना, एक्स का जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का एक ही इमेज वाई में बन रहा है, मतलब अलग अलग इमेज बन रहा है। जीरो का अपना अलग है, वन का अलग है, टू का अपना अलग है, थ्री का अपना अलग है, नाइन, ये सब जो इमेज बन रहा है अलग अलग, वो डिफिनीशन को परिभाषित करता है। डिफिनीशन के अनुसार हमने एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये क्या है, वन वन फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट दिस, ये सेकंड देखिए, ये एक्स है और एक्स में कुछ नंबर ले लेते हैं फिर से, जीरो, वन, टू, थ्री, और यहाँ वाई है और वाई में कुछ हम ले लेते हैं, जीरो, वन, फोर, नाइन, एट, टेन। अब देखिए जीरो का जीरो के साथ, वन का वन के साथ, टू का फोर के साथ, थ्री का नाइन के साथ। अब हम क्या देख रहे हैं, एक्स के जितने भी एलिमेंट है उसका अलग अलग इमेज बन रहा है, किसमें, वाई में बन रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है, एक मिनट, हाँ
सही है, बन रहा है अलग अलग, इसीलिए ये वन वन फंक्शन होगा। अब आपका सवाल ये होगा, कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे, सर सेट वाई में दो एलिमेंट छूट रहा है 8 और 9, क्या ये फंक्शन होगा? ये तो फंक्शन है ही, मैंने बतलाया था कि फर्स्ट वाला जो डोमेन वाला पार्ट है, इसको कहते हैं डोमेन वाला पार्ट, इनपुट वाले पार्ट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, अगर छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये फंक्शन है क्योंकि सारे एलिमेंट का इमेज वाई में बन रहा है, मतलब सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं वाई के एलिमेंट से रिलेटेड है, रिलेशन बन रहा है, जुड़ा हुआ है। लेकिन वाई में कुछ एलिमेंट छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये वन वन फंक्शन है, तो ये भी आपका वन वन फंक्शन है और ये भी आपका वन वन फंक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई, फिर इसमें हम कुछ नंबर ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 और इसमें 0, 1, 4, 3, 9, 8 जीरो का जीरो के साथ, वन का वन के साथ, टू का फोर के साथ और थ्री का भी फोर के साथ। अब देखिए ये कहां तक सही है, जीरो का अपना अलग इमेज बन रहा है ये सही है, वन का भी अपना अलग इमेज बन रहा है यहां भी सही है, लेकिन बात कहां पे आके फंस गया कि दो और तीन अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज देखिए बन रहा है वाई में, बन रहा है ना फोर, ये वन वन का डिफिनेशन नहीं है। वन वन का कहना है अगर एक इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी एक ही आना चाहिए, और दूसरा आउटपुट दे रहे हैं तो उस दूसरा इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट पहले वाले नंबर का नहीं आना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए। हाँ थ्री का डाले तो मैंने फोर आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यह देख रहे हैं दो अलग अलग इमेज का एक ही इमेज बन रहा है वाई में, ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। कहो तो फंक्शन है, फंक्शन तो है लेकिन वन वन नहीं। ये था वन वन का स्टूडेंट्स डिफिनेशन और वन वन के एग्जाम्पल। अब कुछ कंडीशन बताएंगे इसके बारे में, मिटाओ ना, एक बार और बोल देते हैं, एक ऐसा फंक्शन वन वन कहलाता है जब दो सेट हो तो एक सेट के सभी एलिमेंट का, सभी अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग इमेज बनता हो तो उसको कहते हैं वन वन फंक्शन, यानी एक एक फंक्शन हिंदी में उसको कहा जाए। मिटाओ, अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछता है दिया गया फंक्शन वन वन है या नहीं है या वन टू है, इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको मुलाकात होगी। तो वन वन फंक्शन के बारे में समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो आज हम दो तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए बतलाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स चेक given function is 1 1, इसी को इंजेक्टिव भी बोलेंगे, और नॉट, कहने का मतलब दिया गया फंक्शन स्टूडेंट्स 1 1 है या नहीं है, इसी पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला कंडीशन स्टूडेंट क्या है, केस फर्स्ट, या फिर उसको रूल कहा जाए, रूल लिख लेते हैं, दो रूल पढ़ेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट, मैपिंग मेथड, मैपिंग मेथड होता है स्टूडेंट्स इस प्रकार से, अगर एक्स और वाई दो सेट है तो इस तरह से, अगर यहाँ पे ये ए है, ये बी है और सी है, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, 1, 2 ऐसा रिलेशन दिखा देना, तो हम बोलेंगे
कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स हैव डिस्ट्रिक्ट इमेज इन सेट वाई, जितना भी एलिमेंट है सेट एक्स का सबका अलग अलग इमेज सेट वाई में बन रहा है, इसीलिए ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये एक्स है और ये वाई हमारा है सेट, ये ए बी सी, यहाँ जाएगा जीरो वन टू थ्री, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। यहाँ भी बोलेंगे स्टूडेंट्स कि जितने भी एलिमेंट्स है सेट एक्स का सभी का इमेज अलग अलग वाई में बन रहा है। अब कंडीशन है, हमने दो एग्जांपल इसीलिए दिया कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, इसमें एक बच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी बहुत छूटा हुआ है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, इमेजिन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन, एक तीसरा एलिमेंट जो है छूट रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें नहीं छूटना चाहिए था, इसका मतलब ये भी वन वन फंक्शन है। तो पहला मेथड क्या है, मैपिंग मेथड ना, मैपिंग ऑफ फंक्शन, मतलब दो सेट बनाएंगे और जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में हम पुट करके मालूम करेंगे कि इसका इमेज किस तरह से बन रहा है। अगर देखिएगा ऐसा इमेज बन गया एकदम साफ झलक रहा है कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, इसका मतलब है ये वन वन फंक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए दूसरा रूल है स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल है, जगह यहां लिखने का, इफ इफ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू देन एक्स वन बराबर एक्स टू इज वन वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बतलाया दूसरा जो कि बहुत ही जबरदस्त रूल है, जबरदस्त नियम तो हम पहला को बताते हैं क्योंकि इस नियम को सभी फॉलो कर सकते हैं और सभी आसानी से बना भी सकते हैं, लेकिन ये दूसरा भी है बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड रूल है। अगर कोई फंक्शन वन वन है, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो कंडीशन होता है फंक्शन उस इक्वेशन में क्या करेंगे, x के जगह एक बार x1 पुट करेंगे और दूसरे बार x2 पुट करेंगे, तो हमारा फंक्शन होगा fx1 बराबर fx2। तो 1-1 होने के लिए अगर ये दोनों फंक्शन आपस में अगर बराबर है तो दोनों का इनपुट भी आपस में बराबर होगा, तो वो कहलाएगा 1-1 फंक्शन। एक बार और, अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो ये फंक्शन अगर आपस में बराबर है स्टूडेंट ये वाला, तो इसका इनपुट एफ एफ हटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्स वन और एक्स टू, ये भी आपस में बराबर होगा, तो ये कहलाएगा वन वन फंक्शन। तो आपके पास दो मेथड है वन वन फंक्शन प्रूव करने का, एग्जाम में कोई एक रूल अपना ना, दूसरा नहीं। ठीक है, या तो ये अपनाओगे तो इसको छोड़ देना होगा और इसको अपनाओगे तो इसे छोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए मिटाओ। कुछ नोट लिख लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। नोट क्या है कि x जो होता है ना फर्स्ट बिलोंग्स टू n, कहने का मतलब क्या, x मतलब नंबर एलिमेंट है, x को क्या बोलेंगे डिजिट एलिमेंट्स, और n क्या है, n को कहते हैं नेचुरल नंबर का फैमिली ना, ये नेचुरल नंबर है और इसी नेचुरल नंबर का सदस्य है x। इसका मतलब है हम इसमें जो x का जो वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स, x का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, डॉट डॉट इंफिनिटी, समझ रहे। अगर लिखा रहे x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है स्टूडेंट x नेचुरल नंबर का सदस्य है और x का जो वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 लेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, अगर लिखा है x belongs to R, x belongs to R का मतलब है स्टूडेंट x जो है रियल नंबर का सदस्य है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, सभी पॉजिटिव नंबर। उसके बाद स्टूडेंट्स -1,
माइनस टू माइनस थ्री सभी निगेटिव नंबर। यार मच्छर परेशान। और ले सकते हैं स्टूडेंट्स दशमलव में नंबर ले सकते हैं फ्रैक्शन में पी बाई क्यू के रूप में ऐसे भी लिख सकता हूँ वन बाई टू वन बाई थ्री टू बाई फाइव डॉट 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 सभी फ्रैक्शन का नंबर। और क्या ले सकते हैं 0.1 0.2 0.3 डॉट 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 0.9 डॉट डॉट दशमलव की। जब भी रियल नंबर की बात हो स्टूडेंट तो उसमें सभी नंबर आ जाता है जीरो से लेके सभी पॉजिटिव नंबर जीरो से लेके सभी निगेटिव नंबर फ्रैक्शन का नंबर या दशमलव का नंबर। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रियल नंबर के लिए हम ये सारे नंबर को यूज कर सकते हैं। अगर कहीं भी लिखा है स्टूडेंट्स x belongs to z, z का मतलब स्टूडेंट होता है इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटीजर। ये हमारा इंटीजर है। कंचन है वो गेट बंद कर दो ठीक है। बहुत सारा मच्छर आ गया है बहुत परेशान हो रहा है। ये तो जेड का जो वैल्यू एक्स जो लेंगे वैल्यू वो ले सकते हैं स्टूडेंट्स जीरो ले सकते हैं वन ले सकते हैं टू थ्री डॉट डॉट सभी पॉजिटिव नंबर या फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट सभी निगेटिव नंबर। इसमें दशमलव के नंबर स्टूडेंट्स नहीं लिया जाता है। जो भी नंबर लेंगे जीरो से लेके सभी पॉजिटिव नंबर या फिर माइनस वन से लेके सभी निगेटिव नंबर ले सकते हैं। इसमें दशमलव और फ्रैक्शन का नंबर नहीं लिया जाता है। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको सॉल्यूशन में काम आएगा। मिटाओ देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट में लिखिए अगर x belongs to n नेचुरल नंबर और कहीं पे आपको ऐसा आ जाए x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर समझ रहे हैं। अगर x नेचुरल नंबर का सदस्य है और हमें आ जाए x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर तो ध्यान दीजिएगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसको करके कटा दें कि दोनों तरफ स्क्वायर है कटा दो। ये भूल कभी गलती नहीं करिएगा। ये कब होता है पता है? जब सेम नंबर होता। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा आपको एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट 5 का स्क्वायर है और यहाँ 10 का स्क्वायर है ना तब क्या करोगे इसको स्क्वायर 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 कटा दोगे। इसका मतलब हो जाएगा 5 बराबर 10। ये आपके अनुसार तो मैं कहूंगा ये गलत है बिल्कुल गलत है। कैसे देख लीजिए ऐसे इधर 5 जाएगा उधर माइनस होने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 5 जब उधर माइनस होगा तो 10 माइनस 5 बराबर कितना 5 बच रहा आपके अनुसार। लेकिन मेरे अनुसार देखिए स्टूडेंट्स हम इसको बोल रहे हैं नहीं कटाने के लिए तो गलत हो जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर कितना 25 और 10 का स्क्वायर कितना 100। अब 25 जब इसमें माइनस करोगे तो 100 माइनस 25 बराबर कितना 75। बताइए स्क्वायर को हम काट दिए तो आंसर 5 आया और जब स्क्वायर को नहीं काटे तो मेरा आंसर 75 आया। ऐसा संभव है? संभव बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा स्क्वायर को कभी नहीं काट सकते हैं आप। हाँ सेम नंबर हो तो आप जो भी उसके साथ करो लेकिन ये x और x1 और x2 क्या है डिफरेंट नंबर तो आपको कहीं पे मिलेगा x1 का स्क्वायर बराबर इफ x2 का स्क्वायर इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर जीरो। ये हो जाएगा हमारा x1 का हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो। अब हम एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर जीरो और यहाँ हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो।
यहाँ से देखिए x1 का जो वैल्यू आएगा माइनस x2, और यहाँ से x1 का जो वैल्यू आएगा x2। अब देखिए x हमारा नेचुरल नंबर का सदस्य है, x जितना भी होगा वो सब के सब नेचुरल नंबर होंगे। बताइए नेचुरल नंबर में निगेटिव होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव आ गया। x1 जो है निगेटिव नंबर के बराबर है, और ये संभव है, लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब इस पर हम विचार ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है x1 माइनस x2 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि क्योंकि x जो सदस्य है नेचुरल नंबर का, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पर हम विचार नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस पर विचार करेंगे। नेचुरल नंबर का सदस्य है, इसका मतलब x1 जो है x2 के बराबर होगा, ये स्टूडेंट पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पर विचार करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए दूसरा बात, अगर मैं इस पर रियल नंबर कर दूं स्टूडेंट्स, और सारा बात यही हो, तब यहाँ से ये खत्म हो जाए, तब दोनों पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाता है, यानी x1 जो है निगेटिव भी और x2 पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि रियल नंबर का सदस्य जो है वो वैल्यू पॉजिटिव भी दे सकता है और निगेटिव भी दे सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स रियल नंबर के केस में दोनों पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात बताइए, x1 कहता है माइनस x2 के भी बराबर है और x1 प्लस x2 के भी बराबर है, ऐसा होगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी नेगेटिव होगा और एक ही आदमी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। तो इस कंडीशन में पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में इसका इस तरह से वैल्यू आना वो पॉसिबल नहीं है। कंडीशन पॉसिबल है, ऐसा होगा, बिकॉज एक्स इज रिलेटेड टू रियल नंबर, बट नॉट पॉसिबल इन कैलकुलेशन, कि एक ही नंबर दो नंबर के बराबर हो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कैसे होगा? कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से बनाऊं और ऐसा लिखे, ये हमारा ग्राफ है, और इसको हम x, x1 का मान ले लेते हैं स्टूडेंट्स 2, x1 मान लेते हैं यहाँ पर है, x1 बराबर है 2, ये वाला बिंदु 2 है, और 2 पे जब हम एक लाइन खींचेंगे y पर, तो देखिए यहाँ पे दो मान आ रहा है। ऐसा कभी होगा? x के किसी एक मान के लिए y का दो मान हो सकता है? x के 1 वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू पॉसिबल होगा? कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे x1 है और यहाँ पे आपका x2 है, आप x1 में कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, x1 का वैल्यू अगर 1 डाल रहे हैं, 2 है ना, 2 डाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 2 का दो इमेज बन रहा है, एक यहाँ पे मान लेते हैं 1 बन रहा है और यहाँ अल्फा बन रहा है और यहाँ पे बीटा बन रहा है, ये अल्फा और बीटा। मैंने बतलाया था फर्स्ट वीडियो में, फंक्शन वैसे सिस्टम को कहते हैं जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिले, लेकिन देख रहे हैं यहाँ एक इनपुट का दो आउटपुट मिल रहा है, अल्फा और बीटा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा अगर होता तो उसको हम फंक्शन कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे एक इनपुट का दो आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। वही बात यहाँ ग्राफ में कहा जा रहा है कि x के एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू आ रहा है ना, y का दो वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे y पे कट रहा है ये वाला वैल्यू, और फिर यहाँ पे ये कट रहा है y का दो, ये अल्फा है और ये बीटा है। x के एक मान के लिए y का दो वैल्यू आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, x के एक मान के लिए y का एक ही मान आए तो वो फंक्शन होगा। तो वही बात यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि ये कंडीशन पॉसिबल है, बिकॉज ये रियल नंबर का सदस्य है, लेकिन फंक्शन में ये संभव नहीं है कि
कि किसी एक वैल्यू का, किसी एक इनपुट का दो डिफरेंट आउटपुट आए, ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फंक्शन का कहना है अगर तुम मुझे एक इनपुट दे रहे हो तो हम तुम्हें एक ही आउटपुट देंगे, दो नहीं देने वाला हूँ। हाँ, बहुत सारे इनपुट हो तो उसके बदले में भी हम एक आउटपुट दे सकता हूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कहोगे कि तुम एक रुपया दो, हम उसके बदले में दो डिफरेंट सामान दूंगा, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन पॉसिबल है लेकिन ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अगर मैं इसको इंटीजर कर दूं, पूर्णांक कर दूं, तो ये भी पॉसिबल है। इसको मैं इंटीजर कर दूं तो ये कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन बात फिर वही रियल वाला। कंडीशन तो पॉसिबल है लेकिन एक ही वैल्यू के लिए दो अलग अलग डिफरेंट आउटपुट, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो रियल, हाँ, कहोगे क्या जो रियल नंबर के साथ होगा कंडीशन, वो इंटीजर के भी साथ होगा? तो बिल्कुल गलत है। इंटीजर और रियल नंबर तभी तक समान हो सकता है जब वैल्यू फ्रैक्शन और डेसिमल में ना हो, जब वैल्यू फ्रैक्शन और डेसिमल में ना हो तभी तक वो दोनों सेम रूल अपनाएगा, अदरवाइज दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे इसीलिए सेम कर रहा हूँ कि मैं एक्स का कोई फ्रैक्शन वाला मान नहीं ले रहा, तो इसीलिए जो रूल रियल नंबर के लिए हो रहा है वही नियम इंटीजर के साथ हो रहा है। लेकिन कहोगे सारे नंबर के लिए होगा तो ये भी बिल्कुल गलत है। मैं सारे नंबर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही नंबर के लिए, जैसे सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो नंबर और सभी नेगेटिव नंबर के लिए दोनों सेम रूल अप्लाई करेगा, लेकिन जब दशमलव और फ्रैक्शन वाला आ जाए तो दोनों सेम अप्लाई रूल नहीं करता। तो यहाँ भी कंडीशन जो आया है ये भी पॉसिबल, ये भी दोनों अपने जगह पॉसिबल है। ये यानी एक्स वन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स वन निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन बात आएगा रिक्वायर आंसर का, तो कहेगा एक्स एक बार में हम तो कुछ एक ही हो सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने जगह सही है और ये भी अपने जगह सही है। लेकिन मैं बात करूंगा कि सही क्या है, ये मुझे बताओ, यस या नो। तो क्या बताओगे आप? या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। वही बात ये एक्स वन से जब पूछा जाएगा तो कोई एक आंसर देगा, ये कहेगा हम पॉजिटिव हैं, या तो बोलेगा मैं निगेटिव हूं। दोनों से कोई एक ही बात हो सकता है, यानी x का जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें y का एक ही वैल्यू देगा, या तो पॉजिटिव देगा या तो निगेटिव देगा। लेकिन गलती कहाँ है कि अगर मैं बोलूँ कि x1 का वैल्यू पॉजिटिव है तो आप क्वेश्चन करोगे कि नहीं निगेटिव क्यों नहीं लेंगे। तो यही बात जो है ना इस फंक्शन को वन वन होने नहीं देता, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चेक, गिवेन फंक्शन 1 1, इसकी को कहते हैं इंजेक्टिव भी स्टूडेंट्स, और नॉट, दिया गया फंक्शन 1 1 है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f such that as to y if fx बराबर x square, sorry यहां पर लिख देता हूं n, अब समझ में आएगा। इसका मतलब है f such that n to n का मतलब नेचुरल नंबर का सदस्य है। इसमें जितने भी हम नंबर पुट करने वाले हैं x के जगह पर, वो सभी के सभी नेचुरल नंबर। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इनपुट में आप नेचुरल दे रहे हैं तो आउटपुट में भी नेचुरल होना चाहिए। अगर इनपुट में रियल दे रहे हैं तो आउटपुट में भी रियल होना चाहिए। अगर इनपुट में इंटीजर पुट कर रहे हैं तो आउटपुट में भी रियल नंबर ही आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, भूलना नहीं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, f such that r to r if fx बराबर x square,
थ्री नंबर एफ सच डेट जेड टू जेड इफ एफ एक्स बराबर एम वाई। फोर्थ एफ सच डेट एन टू एम इफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। एफ सच डेट आर टू आर इफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। एफ सच डेट जेड टू जेड इफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। एफ सच डेट आर टू आर इफ एफ एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। एट एफ सच डेट आर टू आर इफ एफ एक्स बराबर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। नहीं गलत करते माइनस वन माइनस वन। नाइन नंबर एफ सच डेट आर टू आर इफ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। दस नंबर एफ सच डेट आर टू आर इफ एफ एक्स बराबर रिप्लेस इंटीजर एक्स। अब देखिए कुल 10 टाइप का क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट्स और है क्या बुक में देखा जाए। बस एक मिनट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3 माइनस फोर एक्स ये पूछा गया है 2019 का इवेंट में। इकाई नंबर भी ले लेते हैं एफ आर टू आर है ना तो गिले नंबर का सेट है ना। हाँ और एफ एक्स बराबर थ्री माइनस फोर एक्स। इसमें वन वन एंड वन टू के बारे में बोला गया है लेकिन हम वन वन ही समझाएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए और इसमें से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ ही क्वेश्चन को हम हिंट देंगे और सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और मैं जो वीडियो अपलोड करेंगे जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो समझेंगे उन्होंने वीडियो देखा है नहीं तो वीडियो बनाना ही छोड़ दें। फोटो ले लेते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है f such that n to n n x जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है और fx बराबर दिया है x स्क्वायर। हमें कहता है साबित करें ये 1 1 है या नहीं। तो पहला रूल इसमें दोनों रूल से बनाएंगे ठीक है दोनों नियम से इसको सॉल्व करेंगे। बस ध्यान दीजिएगा यहां लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन गिवन क्या है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका देखिए एंड एक्स बिलोंग्स टू एन
ना, इतना पूरा नहीं लिखकर हम x belongs to n लिख दिए। कहने का मतलब क्या, x जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है, उसके फैमिली का है। तब लिखेंगे स्टूडेंट्स n है तो हम यहां x की जगह n ही पुट करेंगे, इसीलिए f इस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 1, पहले 0 पुट कर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि नेचुरल है, सॉरी 0 कैसे पुट करेंगे, सॉरी ठीक है 1 नेचुरल नंबर है ना, इसीलिए 0 नहीं पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहां पे 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर बराबर 4। 3 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 9। 4 भी पुट कर लीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 60। इसी प्रकार से हम इस x के प्लेस पे बहुत सारे इनपुट देंगे, वो सारे इनपुट क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ठीक है। हमने गलती कर रहा था 0 पुट करके, तो सबका वैल्यू देखिए अलग अलग आ रहा है ना। अब इसको मैपिंग में दिखाना होगा, इसीलिए यहां पे लेते हैं x और यहां y ले लेते हैं स्टूडेंट्स। x में हम वो सारे नंबर को लिखेंगे जो आपने यहां पे इनपुट दिया है, इनपुट क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। अब y में हम वो सारे नंबर को लिखेंगे कि इस इनपुट का जो आउटपुट आया, तो आउटपुट क्या क्या आया है, 1 आया है 4 आया है 9 आया है 16 आया है। अब कहोगे सर इसमें तो बहुत सारा नंबर छूट भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ध्यान नहीं देना, ऑन टू में जाएंगे तब उसको विस्तार से बात करेंगे ठीक है। अब देखिए 1 जो है इनपुट, इसका आउटपुट 1 आ रहा है, 2 जो इनपुट है इसका आउटपुट 4 आ रहा है, 3 का आउटपुट 9 आ रहा है, अब 4 का आउटपुट 16 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग आउटपुट इधर मिल रहा है, यानी जितना भी इसमें आपको एलिमेंट दिख रहा है सभी डिफरेंट है और इधर डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो 1-1 का पहचान क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, वही बात तो हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आपको दिख भी रहा है, इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या लिखना है, यहाँ पे हाँ ये फंक्शन है f, यहाँ पे लिखेंगे एवरी या फिर डिफरेंट डिस्क्रीट एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट x हैव डिस्ट्रिक्ट इमेज इन सेट y, सो गिवेन फंक्शन f x बराबर x स्क्वायर और x belongs to n is a 1-1 ना, या injective, यानी हमने लिखा है कि सभी different different elements of set x का image y में different different बन रहा है, इसीलिए दिया गया function f(x) बराबर x square और जहां x n का सदस्य है 1-1 होगा, समझे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी तरह से पुट करके, अगर इसी नियम से बनाना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से पुट करके सॉल्व करना होगा। तो 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आप अपने समझ जाओगे अच्छे से। सेकेंड रूल देखिए स्टूडेंट्स, गिवन है f(x) बराबर x स्क्वायर और x सदस्य है n का, कौन सा है? लिखेंगे इफ, ऐसे लिखो क्योंकि अच्छा चीज ध्यान रखो बाबू, अगर मैं इस x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हुआ था 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, मतलब इस x के प्लेस पे जो रख रहे उसका ये होल स्क्वायर हो रहा है। तो एक बात करो, लिखेंगे क्योंकि f(x1) का वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर एंड x2 का निकालिए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर। हमने इस x के जगह पे x1 पुट किए तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, इस x के जगह पर हम x2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे क्योंकि f(x1) बराबर f(x2), हम अपने मन से ले लिया
ठीक है, या फिर इसको लेट भी लिख सकते हो, लेट एफएक्स वन बराबर एफएक्स टू, अपना मन से मान लिया। अब इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, एक्स वन का स्क्वायर, और इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, एक्स टू का स्क्वायर। हमने बतलाया था नोट में इस दोनों स्क्वायर को पावर जो है उसको काटना नहीं है, काटोगे तो गलत हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर बराबर जीरो। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर जीरो, और यहाँ हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू, और यहाँ से आएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। अब यहाँ से खेल शुरू हो गया, क्या हम देख रहे हैं कि मेरा जो x है वो नेचुरल नंबर का सदस्य है, तो क्या ये वाला पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, मैंने पहले ही बताया, इसलिए इस पर ज्यादा बोलेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि x सदस्य है n का, इसीलिए x1 does not equal to minus x2। अगर x नेचुरल नंबर का सदस्य है तो कभी भी x1 minus x2 के बराबर नहीं हो सकता, नेगेटिव होगा ही नहीं। जब नॉट पॉसिबल है इसके बारे में सोचना ही नहीं, तुम किसको बोल दो, तुमको जो आना है आओ, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं, इस पर विचार नहीं करना। इधर देखिए ये स्टूडेंट पॉसिबल है क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सदस्य है, इसीलिए पॉसिबल है। और हमने पढ़ा था वन वन फंक्शन, अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिए हैं तो अगर उसका इनपुट एक्स वन और एक्स टू भी बराबर हो जाए तो वह वन वन फंक्शन है। यानी कहने का मतलब है कि एक x के किसी एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इफ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू देन, या फिर लिखेंगे एनी फंक्शन इज वन वन, एनी फंक्शन इज वन वन इफ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू देन एक्स वन बराबर एक्स टू। कोई भी फंक्शन वन वन कहलाएगा, कोई भी फंक्शन वन वन कहलाएगा जब फंक्शन एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, तो उसके इनपुट भी एक्स वन एक्स टू बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे सो गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो नेचुरल नंबर का सदस्य है इज वन वन, इसका मतलब दिया गया फंक्शन जो है आपका ये वन वन होगा। समझ गए, दो नियम से आपको मैंने समझाया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है, अब सेकेंड नंबर जो लिखेंगे सॉल्व करके, गिवन एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, और एक्स जो है रियल नंबर का सेट है, तो पहला नियम से डायग्राम वाला यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले जब भी रियल नंबर का सेट है, यहां से हम क्या करते हैं, फंक्शन का कुछ वैल्यू निकाल के डायग्राम में पुट करके चेक करते हैं, ये वन वन है कि वन टू, सॉरी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी पहला नियम डायग्राम बन ना बॉक्स बना, तो इस एक्स के जगह पे वैल्यू पुट करिए, पहले जीरो पुट करिए। आप कहोगे जीरो क्यों, क्योंकि जीरो रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में जीरो वन माइनस या डेसिमल आपका जो मन है वो सारे नंबर ले सकते हैं, बस इमेजिनरी नंबर छोड़ के। यहाँ पे जीरो तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर वन, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी वन, टू पुट करेंगे तो फोर, माइनस टू पुट करेंगे तो स्टूडेंट आएगा फोर ना। अब ये चेक करने दीजिए, अब यहाँ पे डायग्राम बना देते, ये एक्स और ये वाई, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें हम कौन सा नंबर रखेंगे x वाला, ये फंक्शन है ऐसा, इसमें हम वो सारे इनपुट को लेंगे जो यहाँ पे आप पुट किए हो, यानी जीरो लिया है वन माइनस वन टू माइनस टू,
और आउटपुट के रूप में आया है 0 1 और 4 ये आया है। अब यहां पे दो बार 4 है तो यहां पे दो बार प्लस 1 नहीं लिखेंगे, यहां दो बार प्लस है 4 है तो यहां दो बार प्लस 4 नहीं लिखना, एक ही बार लिखना। तो 0 का रिलेशन 0 के साथ, 1 और -1 का रिलेशन +1 के साथ, देख रहे हो 1 का भी वैल्यू +1 और -1 का भी वैल्यू आया है +1। अब 2 का वैल्यू +4 है और यहां -2 का भी वैल्यू +4 है। तो देखिए स्टूडेंट डायग्राम से साफ झलक रहा है कि दो अलग-अलग इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, दो अलग-अलग एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। कौन-कौन? 1 -1 का सेम इमेज, 2 -2 का सेम इमेज, 4। इस कंडीशन में मैप को देखकर हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन 1-1 नहीं है। यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स सम एलिमेंट्स elements of set x have same image in set y, that is example देखिए elements 1 -1 have same image 1 and elements 4 -4 have same image 4, so फंक्शन fx बराबर x स्क्वायर और x सदस्य है R का इज नॉट 1-1 और इंजेक्टिव। अब देखिए इतना रामायण तो लिखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल दिए हैं वो नहीं लिख के आप इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। हमने लिखा है कि कुछ एलिमेंट x का जो है सेट x का कुछ एलिमेंट का इमेज सेम बन रहा है y में, जैसे कि 1 -1 का 1 अब सॉरी 4 नहीं 2 होगा यहां पे 2 और -2 का 4 बन रहा है,